हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, हम बात करने वाले हैं सेजल ग्लास एलईडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगे, साथ में आपको ये बताऊंगे इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी, इसमें हम देखेंगे कंपनी के ओवरव्यू में, कंपनी के प्रोफाइल एंड डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न, कंपनी का साथ में का टेक्निकल व्यू भी देखेंगे एंड में। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर कंपनी के प्रोफाइल की बात की जाए, सो कंपनी जो है 11 दिसंबर 1998 में कंपनी क्या है इनकॉर्पोरेट की गई थी। बेसिकली सेजल ग्लास है जो कंपनी, कौन से बिजनेस में इंगेज है, बेसिकली कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग काम करती, कौन से वैल्यू एडेड जो ग्लास होते हैं इन वेरियस फॉर्म, जैसे कि देखा जाए टेम्परिंग हो गया एंड डिजाइनिंग एंड इंसुलेटिंग एंड लेमिनेटेड जो ग्लासेस होते, कंपनी क्या बेसिकली यहाँ पे बनाने का काम करती है। अगर यहाँ पे डेप में बात की जाए कंपनी के बारे में, सो कंपनी यहाँ पे अलग अलग तरीके के ग्लासेस लाइक कांच के ग्लासेस बनाती है, जो कि बिल्डिंग्स में आपने नॉर्मली देखा है यूज़ किए जाते, वैसे ही ऐसे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए जैसे कि इनॉर्बिट मॉल हो गया, सन फार्मा हो गया, रेजा आईटी पार्क जो हैदराबाद में है एंड बेंगलोर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर भी ये कंपनी के जो ग्लासेस हैं ना वहाँ पर यूज़ किए गए हैं। सो ओवरऑल कंपनी का प्रोफाइल ये काफ़ी अच्छा है, जो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करने के लिए अच्छी खासी कंपनी है। इवन कंपनी के प्रोडक्ट रेंज में अगर थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स के नेम बताओ, जैसे कि सॉलिड ग्लास हो गया, कूल ग्लास, टोन ग्लास एंड यहाँ पे क्या है फ्रंट ग्लास भी है एंड डेकोर ग्लास भी है एंड यहाँ पे बहुत से अलग अलग तरीके के क्या ग्लासेस के नेम भी दिए हुए हैं अगर आप वेबसाइट जाके चेक करेंगे। सो ऐसे ऐसे कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट रेंज है जो कि अलग अलग चीज़ों में क्या यूज़ किए जाते हैं, मीन्स यूज़ मतलब जैसे कि मॉल्स में अलग ग्लासेस यूज़ किए जाते हैं एंड जो एयरपोर्ट्स होते हैं जो कि हैदराबाद में, वहाँ पे कंपनी का अलग वहाँ पे लाइक इसका ग्लासेस यूज़ किए गए। सो कंपनी के अलग अलग तरीके के ग्लासेस के प्रोडक्ट हैं जो कि अलग अलग जगह पर यूज़ किए गए हैं। सो कंपनी का ओवरऑल प्रोफाइल है काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छी खासी कंपनी लगी फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बिकॉज कंपनी का अगर आप डेटा ही देख लें, लाइक प्रोफाइल की कंपनी का डेटा के बारे में डिस्कस करें, कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैपिटल कितना दिया, 292 का दिया हुआ है। यहाँ पे स्टॉक भी कंपनी कहते 30.7 दिया हुआ है, इंडस्ट्री भी देखिए 28.5। इट मींस क्या स्टॉक भी ओवर वैल्यूड जोन में ट्रेड हो रहा है, जो कि स्टॉक का देखिए तो 300 के आसपास आपको शेयर मिलेगा लगभग, अभी कितने पे 289 पे ट्रेड हुआ है। कंपनी का हाई देखिए 293 तक गया था अभी हाल ही में ही एंड 210 तक इसका लो गया है। ओके, यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के देखे, वही अगर रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 4.87% है, बट रिटर्न इक्विटी देखे काफ़ी अच्छा इसका दिया 87.2% का दिया हुआ है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर के पीछे आपको मिलेगा 9.42 रुपीज़ का, काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। प्लेस परसेंट पे 0.15% दिया, जो कि बहुत ही कम दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग का काफ़ी अच्छा 90% का इसका प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है। बुक वैल्यू देखिए 27.8 रुपीज़ का दिया, वही कंपनी का टोटल असेट देखिए 206 करोड़ का कंपनी यहाँ पे टोटल असेट यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे मार्केट प्राइस कंपेयर करें तो टोटल असेट इसका क्या है ज़्यादा यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी का डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा 117 करोड़ कंपनी यहाँ पे डेप्ट दिया हुआ है। कंपनी का डिविडेंड देखिए कंपनी हमें डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़ दिया एंड यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी ने कितना 19% का रिटर्न दिया। सो अगर आप 3 से 4 महीने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। एंड प्लस यहाँ पे सितंबर में जो इसका रिजल्ट जो निकल गया काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट निकल गया। इवन देखें तो लास्ट क्वार्टर से कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न कमाया है इस सितंबर के क्वार्टर के रिजल्ट में। सो काफ़ी अच्छा मुनाफा इसमें क्या है हमको देखने को मिला है। नेक्स्ट वही कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स की बात की जाए, यहाँ पे कंपनी ने लास्ट 5 में अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ किया, जो कि देखा है 26% कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ किया हुआ है एंड डेटर्स देखे तो कंपनी इंप्रूव हुए हैं 110 डेज से लेके 81.4 डेज तक का। ओके, एंड नेगेटिव में कंपनी का देखिए कंपनी पे स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा कितना 10.4 टाइम्स इट्स बुक्स वैल्यू। कंपनी क्या है लगातार प्रॉफिट कर रिपीटेडली कंपनी प्रॉफिट कर रही, बट कंपनी ने पैसा क्या डिविडेंड पे आउट नहीं किया, जो कि मेन नेगेटिव में आता है। बट कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न करती तो डिविडेंड प्रोवाइड करती, बट ये कंपनी क्या प्रॉफिट अर्न करी बट डिविडेंड इसने अनाउंस नहीं किया हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए यहाँ पे लो दिया हुआ है एंड कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑल्सो। वर्किंग डेज कंपनी का भी इंक्रीज हुआ यहाँ पे देखिए तो कितना फ्रॉम 1988 डेज से लेके कितना हो गया 89.5 डेज तक यहाँ पे क्या हो गया है। सो ये चीज़ें कंपनी की नेगेटिव में आती हैं। पीए कंपनी में बात की जाए सेजल ग्लास के बारे में, सेपन लास्ट नंबर पे कंपनी आ रही बिकॉज कंपनी का मार्केट कैपिटल कम है एज कम्पेयर टू बाई कंपनी से। यहाँ पे बाकी चीज़ें डिस्कस करें, यहाँ पे अदर भी कंपनीज इतनी हैं जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड कर, जैसे कि बोरोसिल हो गया
बोरोसिल रेवेन्यू हो गए, एंड यहाँ पे इसके अलग अलग कंपनीज दी हुई है जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड जितने भी शेयर्स देखिए आपको लोवेस्ट कॉस्ट में आपको शेयर मिल रहे हैं, सो किसी भी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कंपनी के डेटा देख के ही आप क्या इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए इस कंपनी का सेल्स अगर यहाँ पे देखिए सेल्स कंपनी के यहाँ पे क्या इंप्रूव है लास्ट क्वार्टर से, अभी कितना 39.66 करोड़ कंपनी का सेल्स हुआ है, एक्सपेंसिस देखिए 34.25 करोड़ का हुआ है। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात की जाए लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ बढ़ा है 1.09 करोड़ का भैया प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है, उसके पहले कंपनी को कितना 8.03 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ईयरली वाइज ईयरली वाइज कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया जनरेट किया एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर से। तो कंपनी के हाल ही में अगर इस जगह से देखे भले कंपनी का यहाँ पे जून में क्वार्टर कम रिजल्ट इसका आया था, बट कंपनी यहाँ पे देखे सो दिसंबर 2022 से कंपनी का जो प्रॉफिट है पॉजिटिव में ही जा रहा है, लाइक नेगेटिव में नहीं है। सो कंपनी क्या धीरे धीरे यहाँ पे ग्रोथ करते हुए हमको दिख रही है, सो आने वाले टाइम में कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, सो हो सके तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर लीजिएगा। ओके नेक्स्ट में कंपनी के शेयर होल्डिंग पैनल की बात कीजिए, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग 90% दिया हुआ है, पब्लिक देखे 10.01% का कंपनी का प्रमोटिंग यहाँ पे शेयर होल्डिंग होल्डिंग दिया हुआ है, जो इस शेयर होल्डिंग पैनल कंपनी का अच्छा खासा एवरेज में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट में कंपनी के टेक्निकल ओवरव्यू की बात की जाए, यहाँ पे अगर देखे 280.45 पे क्लोजिंग इसका हुआ था, 5% स्टॉक क्या यहाँ पे अब था, परसेंटेज वाइज देखे तो 5% एंड पॉइंट वाइज देखे 13 पॉइंट का इसने क्या रिटर्न सिर्फ एक दिन में ही, सो अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया स्टॉक ने। सो यहाँ पे देखे तो हाई लेवल पर ट्रेड हो रहा है, तो अगर आपको बाइंग करना रहेगा देन 282 पे बाइंग कीजिएगा यहाँ पे ट्यूजडे के दिन, 290 का टारगेट रखना अगर आपको शॉर्ट टर्म में ही अगर आपको निकालना रहेगा तो, एंड 270 का आप यहाँ पे क्या है आप यहाँ पे एग्जिट मार सकते हैं, 270 पे आप यहाँ पे क्या सपोर्ट आप ले सकते हैं। ओके सो ध्यान में रख के आपको एंट्री करनी है यहाँ पे ट्यूजडे के दिन। प्लस एक और चीज़, अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्टॉक आपने होल्डिंग करके रखा आपको लाइक वो लॉस में दिख रहा है, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कंपनी की नेम क्या राइट डाउन कर दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट से फंडामेंटल कर सकूँ और आपको सजेशन दे सकूँ ये आपको शेयर क्या आपको होल्डिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सेजल ग्लास की बात करें तो डेफिनेटली ये स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में आपको ऐड करना जरूरी, बिकॉज लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कंपनी का अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है कंपनी। सो आई थिंक सो जो डॉट क्रिएट हो गए हैं, सो गाइज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।